जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम सिंगल कलर से बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन बनाएंगे। इस डिजाइन को आप किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इस डिजाइन में नीचे बॉर्डर नहीं बनता है, नीचे की तरफ से ये जिगजैग शेप में हमारी ये डिजाइन बनती है। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 12 के मल्टीपल में फंदे चाहिए और 3 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए। और ये डिजाइन हमारे 4 सिलाइयों का डिजाइन है, 4 सिलाइयों को रिपीट करते हमारा डिजाइन बनता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने 12 के मल्टीपल में 24 फंदे और 3 फंदे एक्स्ट्रा ले लिए, तो कुल इसके अंदर हमारे 27 फंदे हो गए। और इसके अंदर उल्टी सिलाई मैंने निकाल ली है। ये डिजाइन हमारा राइट साइड से शुरू होगा, तो अपने डिजाइन के हम फर्स्ट रो निकालते हैं। एज स्टिच के फंदे को हम स्लिप करते हैं, फिर अगले फंदे को टर्न करेंगे और बैक लूप से हमें 2 का एक करना है, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 4 फंदे उल्टे बनाते हैं, फिर उनको पीछे करेंगे, फिर एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, फिर इस फंदे को दोबारा बनाएंगे, तो हमारे 1 के 3 फंदे हो गए। फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे हमारे उल्टे बनते हैं, उनको पीछे करेंगे, फिर आगे की तरफ हमें 3 का एक करना है। तो यहाँ तक हमारी एक डिजाइन कंप्लीट होती है, अगली डिजाइन शुरू हो जाती है। बीच वाले फंदे को अपनी सिलाई में लेंगे, पीछे वाले फंदे को दूसरी सिलाई में, इसको इसके ऊपर से स्लिप करेंगे, बैक लूप से टर्न करके से 2 का एक बना देंगे। तो इस तरह हमारे 3 का एक हो गया। फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, 1, 2, 3, 4 फंदे उल्टे बनाते, उनको पीछे करते हैं, 1 के 3 बनाएंगे। एक बार बनाया, उनको अपनी तरफ करेंगे, फिर इसे दोबारा बनाते, 1 के 3 फंदे हो गए, उनको अपनी तरफ करके 1, 2, 3, 4 फंदे वो उल्टे बनाते हैं, फिर आगे की तरफ उनको पीछे करेंगे, आगे की तरफ से 2 का एक करेंगे, लास्ट वाले फंदे को सीधा बना लें, लास्ट वाले फंदे को सीधा बना लेते हैं। इस तरह डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। अपने डिजाइन की सेकंड रो में आगे जो हमारी रोंग साइड से एज स्टिच के फंदे को स्लिप करेंगे, जिस फंदे को हमने 2 का एक बनाया था उल्टा बना लेंगे, फिर उनको पीछे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे, और जो 3 का एक बनाया था उसमें से एक फंदा और बनाएंगे, तो हमारे 5 फंदे सीधे बनते, फिर उनको अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर उनको पीछे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे सीधे बनाते, फिर उनको अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा बनाते, फिर 1, 2, 3, 4, 5 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, लास्ट वाला फंदा उल्टा। इस तरह हमारे डिजाइन की सेकंड रो कंप्लीट होती है। अपने डिजाइन के हम थर्ड रो में आ गए जो हमारी राइट साइड से। सेंटर में तो हमें 3 का एक करना है और साइडों में हमें 2 का एक करना है। एज स्टिच के फंदे को स्लिप करेंगे, फंदे को टर्न करके बैक लूप से 2 का एक करेंगे, फिर आगे 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 1 का 3 करेंगे। एक बार बनाया, उनको अपनी तरफ करेंगे, इसी फंदे को दोबारा बनाते, हमारे 1 का 3 हो गया। फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे हम, 2, 3, 4, फिर आगे हमारा 3 का एक आ गया। इसे दूसरी तरह भी बना सकते हैं, दोनों फंदों को अपनी सिलाई में लेंगे, टर्न करके वापस अपनी सिलाई में डालेंगे और बैक लूप से 3 का एक करते हैं। तो कैसे भी आप इसे 3 का एक कर सकते हैं, 1, 2, 3,
फिर आगे चार फंदे सीधे बनाएंगे, तीन चार, फिर एक का तीन करेंगे, फिर चार फंदे सीधे बनाएंगे, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, लास्ट वाले फंदे को सीधा बना लेंगे। इस तरह हमारा डिजाइन किए थर्ड रो कंप्लीट होते हैं। अपने डिजाइन के हम फोर्थ रो में आ गए, जो हमारी रॉन्ग साइड से एज स्टिच के फंदे को स्लिप करते हैं और सभी फंदों को उल्टा बना के अपने डिजाइन के हम फोर्थ रो कंप्लीट करते हैं और इन्हीं चार सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब वापस अपनी फर्स्ट रो बनाएंगे, एज स्टिच के फंदे को स्लिप करेंगे, पहले फंदे को टर्न करते हैं, बैक लूप से दो का एक करते हैं, फिर उनको अपनी तरफ करके चार फंदे हम उल्टे बनाते हैं, फिर उनको पीछे करके एक का तीन बनाएंगे, एक जाली डालते हुए एक बार एक का तीन, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, एक दो तीन चार फंदे उल्टे बनाएंगे, उनको पीछे करके तीन का एक करेंगे, दो फंदों को इस तरह से टर्न कर लेंगे, बैक लूप से तीन का एक करते हैं, फिर उनको अपनी तरफ करके चार फंदे उल्टे बनाते हैं, फिर उनको पीछे करके एक का तीन करते हैं। जिस तरह से हमने अपनी फर्स्ट रो बनाई थी उसी तरह से हमारी ये फर्स्ट रो स्टार्ट होती है और फिर आगे की सिलाइयों को जिस तरह से हमने अपनी और सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं उसी तरह से कंप्लीट करके हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है और बनने के बाद हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनता है। बनने के बाद हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनता है, तो नीचे की तरफ इस तरह से जिगजैग शेप में हमारा डिज़ाइन बनता है, बैक साइड से हमारा डिज़ाइन इस तरह रहता है। अगर आपको मेरी डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।